खुद के लिए बिल्कुल भी टाइट नहीं मिलता। लिया भट्ट ने जुकीनी की सब्जी बनाई थी, वो मुझे ट्राई करनी है। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। अभी मैं हूँ कॉलेज में और आज मेरी कंटिन्यू दो अपॉइंटमेंट थी, तो आज थोड़ा सा ब्लंडर हो गया। तो मेरी एक अपॉइंटमेंट मुझे लगा मेरी पहली वाली अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गई है और सेकेंड वाली है, ऐसा नहीं हुआ था। मेरी सेकेंड कैंसिल हुई थी और फर्स्ट जो थी 2 बजे की वो वैसे ही थी अपॉइंटमेंट। जब 2:45 बजे थे तब मैंने खाना लिया, खाना स्टार्ट ही करने वाली थी तो देखा चला कि 2 बजे की अपॉइंटमेंट है। तो फिर मैंने वो खाना साइड में रखा, मैंने सुबह का लंच ही नहीं किया, बस ब्रेकफास्ट करके अभी ऐसा रश हुआ है उस समझ में ही नहीं आ रहा है। तो अभी जाके थोड़ी देर बैठती हूँ, जो भी पेंडिंग काम है वो करती हूँ और फिर 4 बजे मेरा लेक्चर। यहाँ पर बारिश आई थी थोड़ी बहुत, तो एक बार मैं आपको बाहर का व्यू दिखा देती हूँ। और अभी मैं वहाँ पर जाऊँगी स्टूडेंट सेंटर में, मेरा लेक्चर जो है 2 बिल्डिंग के बाद है और यहाँ पर लाइब्रेरी। आज मुझे एक सब्सक्राइबर भी मिला था जो कि मुझे पहचानता था, उसने बोला मुझे एलिवेटर में यानी कि लिफ्ट में कि अभी तुम्हारा व्लॉग देख के ही लेक्चर को जा रहा हूँ। लेक्चर के लिए क्लासरूम में जा रही हूँ, थोड़ी देर के लिए स्टूडेंट सेंटर में बैठी थी, कुछ काम था वो काम फटाफट कर लिया, बस अभी लेक्चर अटेंड करना है। बाहर का वेदर देखिए कितना अच्छा लग रहा है, स्पेशली वो फूल जो है रेड कलर के। मेरा क्लासरूम अभी बंद है, जो कि 10 मिनट पहले शुरू होता है उसका गेट, तो अभी थोड़ी देर के लिए बाहर बैठ। यहाँ पर लोग ट्रेडमिल में हैं और वहाँ पर लोग बास्केटबॉल खेल रहे हैं, तो आज जिम में तो काफ़ी भीड़ है। देखिए यहाँ पर भी बहुत लोग हैं और अभी यहाँ पर बैठती हूँ, अकेले बैठना सुकून से शांति से अच्छा लगता है। डन विद द लेक्चर, और लेक्चर में मुझे टाइम ही नहीं मिला वीडियो वगैरह शूट करने का, या फिर बहुत ही आज बिजी था। और अभी स्टूडेंट सेंटर पर बैठना है, और मैंने जो लास्ट टाइम बोला था असाइनमेंट हो गई है, वो मेरी असाइनमेंट नहीं हुई है, बहुत सारे करेक्शन करने हैं, तो अभी वो थोड़ी देर बाद में करूँगी। तो अभी तो पहले तो 1 घंटा ब्रेक लेती हूँ, बाद में असाइनमेंट करना है, तो घर जाने में भी आज लेट हो जाएगा। मैं आज असाइनमेंट ही कर रही थी और असाइनमेंट थोड़ा डिफ़िकल्ट है, मतलब और प्रॉब्लम आई मेरी हो गई थी असाइनमेंट पर, कुछ गलत हो गया, फिर से वो सॉल्व किया, फिर से प्रॉब्लम आ रही थी, तो आज बहुत सिर दर्द हो रहा था और ऐसे लग रहा था कि मुझे कुछ भी नहीं आता और बहुत ही ऐसा लो फील हुआ। पर अभी मैंने फाइनली असाइनमेंट कर दी, सब कुछ कर दिया और सबमिट भी कर दिया, तो पर मैं श्योर नहीं हूँ 100% कि वो सही है या नहीं है, तो जब तक ये असाइनमेंट का रिजल्ट नहीं आता तब तक डर ही लगा रहेगा, पर फिर भी देखते हैं। और क्योंकि ये असाइनमेंट फिर से सबमिट कर सकते हैं, पर मुझे हमेशा डेडलाइन से पहले करना अच्छा लगता है ताकि एड मोमेंट पर टेंशन ना रहे। मैंने एक तो असाइनमेंट ऐसे सबमिट कर दी थी एड एड मोमेंट पर, तो मुझे मेरे कभी कभी 1-2 गलती हो गई थी, फिर दोबारा मैं सबमिट नहीं कर पाई, फिर मार्क्स भी कट गए थे। और आज का व्लॉग तो मुझे लगता है पूरा बातों का ही हुआ होगा, मेरा बिल्कुल भी बंद नहीं है अभी वीडियो बनाने का। अभी बैग भी अरेंज कर दी है, बैग भी हेवी हो, अभी मैं ये सब कुछ अरेंज करती हूँ, डिनर करती हूँ, वीडियो एडिट करना और फिर अच्छे से सोऊंगी। खुद के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, थोड़ा भी अच्छा टाइम मैंने स्ट्रेट कर रही हूँ, जैसे कि आराम से यूट्यूब देखता या फिर कुछ अपने पसंद की चीज़ें करना, बहुत ही हेक्टिक डे हो गया है, तो क्या बोलूँ, अच्छा नहीं लग रहा है। ये सब कुछ अभी मुझे अरेंज करना है क्योंकि बैग बहुत ही हेवी लगता है, तो सब अच्छे से पहले तो अरेंज करती हूँ। वेलकम टू माय वीडियो। तो आज अभी मैं आई हूँ कॉलेज में, ये व्लॉग मैं कल के व्लॉग के साथ ही कंटिन्यू करूँगी। तो अभी कॉलेज में कुछ काम है, बाद में 2 घंटे बाद लेक्चर है, तो बस वो काम करके आपसे मिलती हूँ। तो मेरी अभी एक अपॉइंटमेंट थी, तो ये मेरे कोर्स वर्क से रिलेटेड नहीं है, पर ये मेरे कुछ सर्विसेज जो है बहुत अच्छी है, कॉलेज में फ्री में मिलती है, तो वो मैं यूज़ कर लेती हूँ। थोड़ा सा मुझे ऐसे पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी रहना अच्छा लगता है,
तो अभी तो कॉलेज में जाना है और थोड़ा बहुत पढ़ना है मुझे, तो बस मुझे फोन वगैरह नहीं आनी चाहिए, क्योंकि फोन आते हैं तो फिर मैं पढ़ना ही छोड़ देती हूँ और मोबाइल में ही टाइम पास करती हूँ। तो मुझे अभी 1 घंटा ऐसा अच्छे से टाइम चाहिए, और मुझे वहाँ पर, मैं कॉलेज में जाके बैठने वाली हूँ, वहाँ पर कोई मिलना भी नहीं चाहिए मुझे, अच्छे से अभी पढ़ाई करनी है। तो बस वहाँ पर सिर्फ लाउंज में जाके बैठ जाती हूँ, वहाँ पर कोई नहीं रहता है, तो वो एक अच्छी आइडिया है अभी मुझे। चलो अभी पहले तो कॉलेज चलती हूँ, बस चलते हुए ही जाना है। कॉलेज में इतने सारे स्टूडेंट होते हैं कि सबके सामने व्लॉग बनाने में आजकल तो मुझे बहुत शाय फील होता है, और अभी मुझे बहुत सारे लोग जानते हैं। लेक्चर में जा रही हूँ, जहाँ पर लेक्चर होता है वहाँ पर हाफ एन आवर से ज़्यादा टाइम है, फिर भी जाके बेंच पकड़ना है, क्योंकि इस लेक्चर की स्टोरी भी कुछ अलग ही है। आपको आराम से बताऊंगी कि क्यों जल्दी जाना है, आराम से बताने से अच्छा भी बता ही देती हूँ। तो इस लेक्चर में प्रोफेसर जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, और जो वो बोलते हैं या फिर बताते हैं वही सब कुछ यूज़ करना होता है, और अगर कुछ गलती से डिफरेंट भी यूज़ कर लिया तो वो प्लैगरिज्म कंसिडर करते हैं या फिर मार्क्स कट करते हैं। तो इस लेक्चर में जाके फर्स्ट बेंच पे बैठ के सब कुछ नोट करना होता है, फ़ोटो खींचनी होती है जो भी प्रोफेसर ने बताया है, तो इसलिए जल्दी जाना होता है, अच्छा बेंच पकड़ना होता है। प्रोफेसर आ गए, चलो अभी लेक्चर पे ध्यान देती हूँ। लेक्चर हो गया है ख़त्म, और आज बहुत ही डिफ़िकल्ट क्या पढ़ाया मुझे तो कुछ भी नहीं समझा, और अभी घर जाती हूँ। ये फूल यहाँ पर सूख गए हैं। BGX से मिल्क लेना है, ये रहा मिल्क का सेक्शन, और ये मुझे विटामिन डी वाला मिल्क पसंद है। और यहाँ पर ये देखिए रिड्यूस फैट मिल्क भी है, और शायद मुझे यहाँ पर व्लॉग नहीं बनाना चाहिए क्योंकि आवाज़ बहुत हो रहा है मशीन का। यहाँ पर सब्जियाँ भी है और इस साइड में फ्रूट भी है। ये मेरा फेवरेट वाला सेक्शन, जहाँ पर अच्छे सेंटेड कैंडल होते हैं। मैंने ये सेंटेड कैंडल ली थी और मैं रूम पे लगाती थी कैंडल, तो पर क्या हुआ, मेरे आँखों में जब भी मैं कैंडल लगाती थी तो जलन होती थी और आँखों में हल्का हल्का पानी भी आता था, तो मैंने ये कैंडल लगाना ही बंद कर दिया। और बाहर थोड़ी सी ठंड है तो मैंने ये जैकेट भी पहन लिया। घर आ गई हूँ, बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो कुछ खा लेती हूँ, और थोड़ा बहुत ही खा लेती हूँ, नहीं तो फिर रात को डिनर नहीं होगा। और बाहर का भी व्यू अच्छा लग रहा है, तो एक बार आपको बाहर का व्यू भी दिखा देती हूँ। तो आलिया भट्ट ने एक जुकीनी की सब्जी बनाई थी, वो मुझे ट्राई करनी है, तो वो एक बनाती हूँ चावल और कुछ सब्जी बनाती हूँ। मैं 9 बजे तक डिनर कर लेती हूँ, पर आज बहुत बिजी थी, थोड़ा सा रिसर्च करना था, बाद में सब कुछ नोट डाउन किया कि कब कब क्या क्या मुझे, मतलब अपॉइंटमेंट वगैरह कब है, और फिर थोड़ी बहुत पढ़ाई का देखा, और बस उसमें ही टाइम चला गया। तो अभी जल्दी से डिनर बनाना पड़े। डिनर मैंने कर लिया है, जुकीनी बनाने वाली थी पर बहुत ही टायर्ड हो गई हूँ, तो मैं सोच रही थी कि जब आराम से टाइम मिलेगा तब बनाऊँगी। बर्तन धोने हैं और जो सब कुछ डिनर बनाया वो फ्रिज में रखना है। इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। अभी बजे है कितने, देखना पड़ेगा कितने बजे है, तो चलो अभी देखते हैं, व्लॉग भी एडिट करना। और सबसे मेन बात तो ये है कि कल मैंने अपना यूएसए टू इंडिया की जर्नी, नहीं सॉरी, इंडिया से यूएसए की जर्नी का जो वीडियो है वो अपलोड कर दिया, तो जिसकी वजह से अभी मैं नेक्स्ट वाले व्लॉग भी डाल पाऊँगी। तो एक काम बहुत अच्छा हो गया।